नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। फर्टिलाइजेशन के पहले बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। जब एक कपल आता है हमारे पास, तो वाइफ के लिए तो स्कैन किया जाता है, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ट्यूब्स देखे जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है। हस्बैंड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है सीमन एनालिसिस। इस सीमन एनालिसिस में बहुत कुछ देखे जाते हैं, जैसे वॉल्यूम देख लिया, जैसे उसका कलर देख लिया, कहीं उसमें खून तो नहीं है, कहीं उसमें यूरिन तो नहीं है। ये सब फैक्टर्स से ट्रीटमेंट कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखा जाता है, वो है काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी। काउंट यानी नंबर बहुत जरूरी है। अगर नंबर ठीक नहीं रहा तो ज्यादा नंबर होते नहीं है। जब तक स्पर्म अंडे तक पहुंचता है, ज्यादा कुछ बचते नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी होता है स्पर्म के लिए। मोटिलिटी यानी हरकत। अगर हरकत ही नहीं है तो स्पर्म्स जहाँ पे रिलीज होते हैं वहाँ से ट्यूब तक जाने के लिए अगर मोटाइल नहीं हो तो पहुँच ही नहीं पाते। तो हर चीज़ ये दोनों फैक्टर्स पे निर्भर होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मॉर्फोलॉजी। अभी स्टडीज़ ने ये बता दिया है, ये प्रूव कर दिया है कि मॉर्फोलॉजी जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि एग और स्पर्म मिलने के लिए। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर तीर उस शेप में, उस साइज में, उस वजन का ना रहा तो वो अपने गोल तक पहुँचता नहीं है। अगर आप चाहे बेडंगा बनाए, टेल कुछ और, उसका जो दुम है वो कुछ किसी और शेप में हो, हेड किसी और साइज या शेप में हो, तो वो पहुँचता नहीं है। वही चीज़ गोली पे भी, बंदूक की गोली अगर वो साइज, शेप, वेट का ना हो तो वो अपने गोल तक पहुँचता नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। वैसे ही स्पर्म होता है, अगर उसका जो आकार है वो सही साइज का, शेप का, वजन का ना हो तो वो अंडे तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि जब हम सीमन एनालिसिस कराते हैं और स्पर्म का आकार टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसे बहुत केयरफुली देखा जाए और बहुत केयरफुली रिपोर्ट किया जाए। आइए हम देखते हैं कि ये कैसे प्रकार के होते हैं। अगर उनके अबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में हम समझना चाहते हैं तो पहले नॉर्मल स्पर्म देखना चाहिए। तो ये हुआ एक नॉर्मल स्पर्म। उसका एक हेड होता है, टेल होता है और बीच में एक मिड पीस करके होता है। समझ गए ना, मिड, बीच का पीस। तो हर एक पार्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे जो टेल है ये उसे एक मोटिलिटी देता है, बहुत ज़रूरी है कि सांप के जैसे जैसे वो हिलता रहता है वैसे ही सेम स्पर्म भी ऐसे हिलता है। आप गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, उसका साइज़ और उसका हिलने का जो स्टाइल होता है एकदम सांप के जैसे होता है। तो टेल आगे बढ़ने के लिए सहायक होता है। जो सर होता है, जो हेड होता है, उसमें डीएनए कंटेंट होता है। आपके बॉडी में जितना भी डीएनए है, आधा आपके माँ से आया है, आधा आपके पिताजी से आया है। तो जो पिता से आने वाला डीएनए होता है वो उसके सर में एकदम अच्छी तरह से पैक्ड होता है। इमेजिन, एक बहुत बड़ा होता है, स्पर्म बहुत छोटा होता है, बट बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है ये, क्योंकि इतना डीएनए सिर्फ छोटे से सर में एकदम अच्छी तरह से पैक्ड होता है। जो मिड पीस है, छोटा सा पार्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये साइंस के स्टूडेंट्स ने सुना होगा, ये सेल का सेल है। तो इस सेल से इसको पावर मिलता है, इसको एनर्जी मिलता है और ये आगे बढ़ता है। तो ये जो पार्ट है इसके अंदर, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है और उसी में सेंट्रियोल करके एक पार्ट है। सेंट्रियोल फर्टिलाइजेशन के लिए यूजफुल होता है। फर्टिलाइजेशन यानी कि जब और एक और स्पर्म मिलते हैं तो सेंट्रियोल की वजह से ही वो अगले स्टेप्स में, अगले सेल डिविजन्स में जा पाता है। तो ये हुआ हर पार्ट का इम्पोर्टेंस, सर और मिड पीस और टेल। अभी हम अबनॉर्मल डिफेक्ट्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा तीन पार्ट्स है, तो तीन पार्ट्स में डिफेक्ट ढूंढ जाते हैं। टेल जब देखते हैं तो अगर लंबाई ठीक ना हो, टेढ़ा हो या फोल्डेड हो, ये सब देखा जाता है। इसकी वजह से भी स्पीड कम हो जाता है, वो पहुँच नहीं पाते। मिड पीस अगर हम देखें तो कभी बुरी तरह से चिपके हुए होते हैं, मतलब जैसे मिड यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से नहीं है, देखिए साइड से है, ये मोटा है, ये बहुत पतला है, इसमें कुछ भाग चिपका हुआ है, इसका शेप ही आउट है, और ये मिड पीस से दो भाग में बढ़ गया, ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि दो सेंट्रियोल होंगे इसमें, वो अच्छी बात नहीं होती है सेल डिविजन के लिए, अबनॉर्मेलिटी के लिए वो एक कारण हो सकता है। तो ये हुआ मिड पीस डिफेक्ट। हेड डिफेक्ट्स की बात करें तो हेड बड़े हो सकते हैं, बहुत छोटे हो सकते हैं, या उसको आकार ही गलत हो सकता है, दो हेड हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख सक रहे हैं एक ही स्पर्म के दो हेड हैं, या बिल्कुल शेप आउट हो, उसे हम अमॉर्फस कहते हैं, यानी कि बहुत विविध तरह के शेप्स में आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्या डिफेक्ट्स हैं, हम उसे प्रॉपरली रिपोर्ट करें। हेड डिफेक्ट्स रहे तो अलग ट्रीटमेंट, टेल रहे तो अलग ट्रीटमेंट, तो ये हमारे लिए डिसाइड करना इजी हो जाता है, ये देखते हुए कि डिफेक्ट कहाँ से आ रहा है। तो हेड, मिड पीस और टेल बहुत ज़रूरी है। इन सब के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट
डिफेक्ट है जिसे हम एक्रोसोमलेस कहते हैं। एक्रोसोम एक टोपी की तरह समझिए, अब स्पर्म के हेड पे एक टोपी की तरह होता है, ये सब यहाँ आप देख सक रहे हैं। ये टोपी अगर ना हो तो जब स्पर्म एग से मिलता है फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जैसे कि एक सिग्नल है, अगर वो हो तो ठीक से सिग्नल्स रिलीज होते हैं और एग जो है स्पर्म को अंदर आने देता है। तो अगर ये ना हो एक्रोसोम तो फर्टिलाइजेशन नेचुरली होना बहुत ही मुश्किल है। कई साल निकल जाते हैं लोगों के और प्रेगनेंसी आता नहीं है। जब वो सीमेन एनालिसिस के लिए आते हैं, हमने देखा कि स्पर्म्स में एक्रोसोम ही नहीं था। उसके लिए ट्रीटमेंट है, आपको घबराने की बात नहीं है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत हैं उसके। हम IVF में उसको एक स्पेशल सॉल्यूशन में डाल के अंडे के अंदर डालते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन होकर प्रेगनेंसी आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो ये है अलग तरह के डिफेक्ट्स जो हम ढूंढते हैं। अच्छाई से ज़्यादा बुराई को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर जो डिफेक्ट्स हैं उसके मुताबिक हम ये डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होना चाहिए, कितनी जल्दी इनको IVF के लिए आना चाहिए, कितने दिन तक वो अपने आप ट्राई कर सकते हैं, ये सब हमें डिसाइड करने में आसानी होती है। अगर आपको अब नॉर्मल सीमेन रिपोर्ट दिया गया है, आपके स्पर्म्स में अब नॉर्मल रिपोर्टिंग किया गया है, इसके बारे में आप समझना चाहते हो, आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है जानना चाहते हो, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।